माता कृष्णा जी स्टेज पे हमारे सब नेता जो बैठे हैं, ये चूरी जी, भाई और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, दिल से स्वागत। आप यहाँ मेरे लिए थोड़ी देर ठहरे, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। कल तमिलनाडु जाना पड़ा, इसलिए मैं कल यहाँ नहीं आ पाया। बात नियत से शुरू होती है। प्रधानमंत्री के दिल में जो होगा उसकी बेसिस पर पॉलिसी बनाएंगे। अगर उनके दिल में दलितों के लिए जगह होती तो पॉलिसी दूसरी प्रकार की बनती। गुजरात में उन्होंने अपने भाषणों की एक किताब बनाई थी, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने लिखा था कि दलितों को सफाई करने से धार्मिक आनंद मिलता है। ये पंक्तियां नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा, उनकी थिंकिंग पर रोशनी डालती हैं। नरेंद्र मोदी जी सोच है कि हिंदुस्तान के भविष्य में दलितों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी बीजेपी और आरएसएस चाहते हैं कि चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो प्रगति हो, दलितों की जगह नहीं बननी चाहिए। एट्रोसिटी एक्ट कांग्रेस पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने हिंदुस्तान को दिया था, उस एक्ट को नरेंद्र मोदी जी ने रद्द होने दिया, उस पर आक्रमण किया। और जिस जज ने एक्ट पर आक्रमण किया उसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रमोशन दिया, रिवॉर्ड दिया। बिहार में हमारे मित्र कहते हैं, पासवान जी कहते हैं कि मुझे इसके बारे में बोलना चाहिए और मैं बोल रहा हूं। एट्रोसिटी एक्ट को कांग्रेस पार्टी लाई थी और एट्रोसिटी एक्ट की रक्षा कांग्रेस पार्टी करेगी और हम सब मिलकर करेंगे। मगर सरकार वहां की है जहां भी दलित आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। शिक्षा में देखिए तो रोहित वेमुला की हत्या की जाती है, उसे कुचला जाता है, उसे मारा जाता है। जहां भी बीजेपी की सरकार है उन प्रदेशों में खुलेआम दलितों को मारा जाता है, पीटा जाता है, दबाया जाता है, कुचला जाता है। हम ऐसा नहीं चाहते हैं। इस देश में चाहे वो दलित हो, चाहे वो गरीब हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, सबके लिए जगह होनी चाहिए। इस देश के भविष्य में सब लोगों को जगह मिलनी चाहिए, सबकी प्रगति होनी चाहिए। वैसा हिंदुस्तान हम चाहते हैं और वैसे हिंदुस्तान के लिए मैं और कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। हम एक इंच पीछे हटने वाले नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को हमने दिखा दिया कि आप दलितों के सामने, दलितों के विरोध आप खड़े नहीं हो सकते हो, क्योंकि अगर आप खड़े होंगे तो पूरा हिंदुस्तान आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा। मगर उनके दिल में, उनकी सोच दलित विरोधी है और हिंदुस्तान का हर दलित, हर कमजोर व्यक्ति इस बात को समझता है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के दिल में, उनके दिमाग में, उनके मन में दलितों के लिए कोई जगह नहीं है और वो दलितों को कुचलना और दबाना चाहते हैं। इसीलिए हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हैं, इसीलिए हम नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं
और हम लड़ते रहेंगे, एक कदम हम पीछे नहीं हटने वाले। और 2019 में आप देखेंगे, 2019 में आप देखेंगे कि बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस विचारधारा के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान एक आवाज लेकर खड़ा होगा। इनको 2019 में हम हराएंगे और यहाँ पे सरकार बनेगी तो दलितों की, आदिवासियों की, कमजोर लोगों की, किसानों की सरकार बनेगी और उनके हित में काम होगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है। आपके साथ मैं खड़ा हूं और जहां भी आप चाहते हैं मैं खड़ा होने के लिए तैयार हूं। किसी भी प्रदेश में मुझे ले जाइए, मैं आपके खड़ा हूं। दलितों के साथ, कमजोर लोगों के साथ मैं खड़ा हूं, कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।